वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कंसेप्टबिलिटी हब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल हम एडवर्टाइजिंग वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें आज हम नया टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव क्या मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वैसे तो इसमें, तो हम सारे ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे कि हम एडवर्टाइजिंग बेसिकली करते क्यों हैं, कंपनीज़ के ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं एडवर्टाइजिंग करते समय। ठीक है, तो इसमें 15 ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब हेडिंग है और फिर उनकी एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो देखिए वैसे तो मैं सारे करवाऊंगी, लेकिन अगर मुझे लग रहा होगा कि रिपीट हो रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स, पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, तो फिर मैं आपको बता दूंगी, फिर हम उसको स्किप कर देंगे। पहला ऑब्जेक्टिव है आपका प्रिपरेशन ऑफ ग्राउंड फॉर सेल ऑफ न्यू प्रोडक्ट। देखिए, एडवर्टाइजमेंट को ऐसा माना जाता है कि अगर आपका नया प्रोडक्ट है और आप उसको सेल करना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं इसकी सेल अच्छी हो, कस्टमर तक ये प्रोडक्ट पहुंचे, हर कस्टमर को इस प्रोडक्ट के बारे में पता हो, तो एडवर्टाइजमेंट को एक ग्राउंड माना जाता है कि आप इसको अपना एक फाउंडेशन आप बनाइए, एडवर्टाइजिंग को आप एज अ फाउंडेशन आप यूज़ कीजिए। क्योंकि देखिए, जब तक आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होती है तो आप कितना भी ऊपर पहुंच जाइए, आपकी जो नींव भी जब कच्ची है तो कुछ भी आपका पॉसिबल नहीं होगा, फ्यूचर में जाके आपको लॉसेस का फेस करना ही पड़ेगा। लेकिन जब अगर आपकी फाउंडेशन अच्छी है, तो ये लोग बोल रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट को अपनी फाउंडेशन बनाइए, एडवर्टाइजमेंट को आप एज अ प्रमोशन टूल यूज़ कीजिए अगर आपका नया प्रोडक्ट आ रहा है बाजार में, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट आपकी हेल्प करेगा, फ्यूचर में भी प्रेजेंट में भी आपकी प्रोडक्ट की ग्रोथ होगी। ठीक है, तो इसमें यही बोला गया है, प्रिपरेशन ऑफ ग्राउंड फॉर सेल ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। अगर आप नए प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज करना चाहते हैं तो ग्राउंड लेवल पे अपने एडवर्टाइजमेंट को रखिए और उससे अपना आगे मार्केटिंग कीजिए। ठीक है, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। When a new product is to be introduced in the market, advertising is necessary. वही चीज़ है कि नया प्रोडक्ट है मार्केट के लिए, तो आपको एडवर्टाइजमेंट का यूज करना चाहिए। The potential consumer can be informed only by means of an advertisement. तो वो लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप सिर्फ एडवर्टाइजमेंट ही यूज़ कर रहे हैं और कोई दूसरा प्रमोशनल टूल एडवर्टाइजमेंट के साथ नहीं लगाना चाह रहे हैं, तो आपका एडवर्टाइजमेंट ही बेस्ट रिजल्ट लेके आ जाएगा। इन दिस वे एडवर्टाइजमेंट मे बी यूज फॉर प्रिपेयरिंग द ग्राउंड फॉर द सेल ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। इसी वजह से, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट इतना इफेक्टिव है कि एडवर्टाइजमेंट आपके लिए बेस्ट रिजल्ट लेके ही आएगा, तो इसी वजह से इसको एक ग्राउंड माना गया कि ये आपका फाउंडेशन, आपका जो ग्राउंड लेवल है, जो आपकी फाउंडेशन है आपकी कंपनी की, वो स्ट्रांग बना के रखेगा। द मास मीडिया लाइक रेडियो टेलीविजन आर यूज फॉर दिस पर्पस। तो जैसे कि मास मीडिया बहुत सारे तरह के होते हैं, आपको पता है मास मीडिया का मतलब क्या होता है, कि आप एज अ कंपनी आप अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लाखों लोगों तक आप उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। ठीक है, रेडियो के थ्रू, क्योंकि जब रेडियो पे ऐड आता है तो जितने भी लोग रेडियो को सुन रहे हैं, ठीक है ना, तो उन तक वो सारी चीज़ जाती है। लाख लोग भी सुन सकते हैं, हज़ार लोग भी सुन सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है। कोई टीवी देख रहा है, टीवी में ऐड आया तो वो लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं एक ही टाइम पे, तो इसको मास मीडिया कहते हैं। जब बहुत ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती है एक ही टाइम पर, उसको हम मास मीडिया बोलते हैं। तो मास मीडिया कौन कौन सी होती है? रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, ठीक है, आजकल तो नेट पे भी बहुत ज़्यादा ऑनलाइन, चाहे आप यूट्यूब का एग्जाम्पल ले लीजिए, इंस्टा का, फेसबुक का, हर जगह पे अब तो एडवर्टाइजमेंट होता है और वो भी मास मीडिया का पार्ट है। ठीक है, फिर सेकंड आता है आपका क्रिएशन ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे ये लोग यही बात करेंगे कि जो एडवर्टाइजमेंट है उससे आपकी डिमांड क्रिएट होती है। कहने का मतलब ये है, लोग एडवर्टाइजमेंट देखेंगे और जितने भी लोग अट्रैक्ट होंगे उनको लगेगा ये वाला प्रोडक्ट लेना चाहिए, तो आपके जो प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बनेगी और आगे बढ़ेगी भी। ठीक है, अनदर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज टू क्रिएट डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, सबका यही ऑब्जेक्टिव होता है। देखो, कोई ऐड दिखा रहा है, कोई कंपनी अपना ऐड चला रही है टीवी पे, तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव तो होगा। उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? कि हमारी सेल्स बढ़े, और सेल्स कब बढ़ेगी? जब लोग उसकी आपकी प्रोडक्ट
सॉरी आपकी प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे, ठीक है। तो डिमांड को क्रिएट करने के लिए कि डिमांड हो हमारे गुड्स की, इसलिए हम एडवर्टाइजमेंट करती हैं। एडवर्टाइजिंग क्रिएट्स अ फेवरेबल एटमॉस्फेयर फॉर मेंटेनिंग और इम्प्रूविंग सेल्स, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग एक फेवरेबल एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर बनाती है कि जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं, वो आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। कस्टमर्स आर रेगुलरली रिमाइंडेड अबाउट द प्रोडक्ट ब्रांड एक्सेट्रा। जो कस्टमर्स होते हैं उनको बार बार रिमाइंड करवाने के लिए भी हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। रिमाइंड करवाना मतलब कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट आप लीजिए, इसमें एक नए टेस्ट का मतलब नया फ्लेवर आया है। आप कुछ भी अगर आप कोई ईटेबल प्रोडक्ट का आप कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो आप बोल सकते हैं कि ये एक नया टेस्ट आया है, या आप परफ्यूम वगैरह सेल कर रहे हो तो आप बोल सकते हैं नई फ्रेगनेंस आई है, इसके प्राइस ड्रॉप हुए हैं या प्राइस इंक्रीज हुए हैं, वो सारी चीज़ें आप कस्टमर को रिमाइंड करवाते हो, ठीक है। The prospective customers may be induced to buy a product by informing them about the comparative quality, price and other attributes of that product. वही बात बोली जा रही है कि आप advertisement के through customer को induce करते हैं। Induce का मतलब कि आप directly नहीं बोल रहे हो कि आप हमारा product लो, मतलब आप ऐसे पीछे नहीं पड़ रहे हो। देखो आप अगर आप किसी भी इंसान के ऐसे पीछे पड़ते हो, कोई भी आप चीज़ के ऐसे पीछे पड़ जाते हो कि नहीं तुम्हें करना ही है, तुम्हें करना ही है, तो वो इरिटेट हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड से आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, कि आपको उनके पास जाना नहीं पड़ा लेकिन वो खुद आपके पास खींचे चले आएंगे, ठीक है। तो आप इंड्यूस करते हो कि जिससे वो आपका प्रोडक्ट लें, और आप कौन कौन सी मतलब आप किस तरह की इंफॉर्मेशन उनको बताते हो, या आप ये बोल सकते हो कि आप ऐसे तरीके की उनको जानकारियां देते हो कि उनको लगता है हाँ हमें ये लेना चाहिए, ठीक है। आप इस तरह से उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। बाय इन्फॉर्मिंग दैम अबाउट द कंपेरेटिव क्वालिटी, आप बताते हो, आप कंपेयर करते हो कि इस वाली कंपनी के प्रोडक्ट में आपको ये मिलेगा लेकिन हमारी कंपनी के प्रोडक्ट में आपको ये मिलेगा, हमारी कंपनी का क्वालिटी ऐसा रहेगा, इनकी कंपनी का क्वालिटी ऐसा होगा, हमारी कंपनी का प्राइस ऐसा होगा। तो अगर आप ऐसी चीज़ें करते हो तो इनडायरेक्टली आप कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही लेते हैं, ठीक है। द ऑब्जेक्ट इज टू चेंज द हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर टू शिफ्ट फ्रॉम अ राइवल प्रोडक्ट। सबका यही गोल होता है कि सारे कस्टमर्स हमारे पास आए, और जो राइवल्स का मतलब क्या होता है, जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके भी कस्टमर्स हमारे पास आए, उनसे कोई प्रोडक्ट ना खरीदे। अब जो भी हो सिर्फ हमारा ही भला हो, ठीक है। तो देखिए मैं दो दो करके आज की क्लास में ज़्यादा लेंदी नहीं रख रही हूँ, दो मैंने आज आपको ऑब्जेक्टिव समझा दिए। आई होप आपको ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्लियर हुई हो। कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होता तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।